इंटीग्रेटेड एम टेक पीएचडी अगर करना चाह रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। मैं बताऊंगा क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही मस्त है कि आपने अगर 55% मार्क्स अगर सिक्योर किया है अपना ग्रेजुएशन पे, ठीक है, या एमएससी पे, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। एंड एससीएसटी के लिए 5% जो है छूट भी दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेट गेट सीएसआर का अगर दिया हो तो उसका जो है मार्क्स लगेगा आपके लिए, ठीक है। तो एक कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा, तो मैं इसको आप डिटेल से बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको फॉर्म फिलअप के बारे में बताऊंगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ आप लोगों के लिए वो सही है या गलत, या जो भी आपको चाहिए होगा आप प्लीज़ मुझे बताना। मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत से जो है आप लोगों के मैं वीडियो बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट का एरीज की तरफ से, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, ठीक है, सॉरी मैं प्रोनाउंस में कुछ गलत किया था। एंड यहाँ पे जो है यहाँ पे बताया गया है कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के यहाँ पे बताया गया है कि क्या कुछ यहाँ पे एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रो नॉमी और भी कई सारे जो इसका फील्ड्स हैं। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशंस अगर आप देखते हो तो क्वालिफिकेशंस आप देखो, एमएससी बीई बीटेक, मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए जनरल ओबीसी, ठीक है, और यहाँ पर बताया गया 50% मार्क्स जनरल के लिए एंड ओबीसी के लिए, एंड 50% मार्क्स होना चाहिए एससीएसटी कैंडिडेट के लिए। कोई भी इंस्टीट्यूट से आपने अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एमएससी बीई बीटेक ऑन आफ्टर 2019 स्टूडेंट्स अफेयरिंग एमएससी बीई बीटेक फाइनल ईयर कैन अफेयर फॉर द इंटरव्यू, मतलब आप अगर फाइनल ईयर पे हो तो फाइनल ईयर कैंडिडेट जो इंटरव्यू होगा उससे पहले पहले, ज्वाइनिंग से पहले पहले सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड एज लिमिट 28 साल के बीच में होना चाहिए, मीन्स जुलाई 1 से 1 को देखा जाए तो आपका जुलाई 1993 से पहले का बाद है तो नहीं होगा, उससे बाद है तो हो जाएगा। एंड यूजीसी रूल्स को यहाँ पे बताया गया है, लिमिट रिजर्वेशन के लिए बताया गया है, एप्लीकेंट्स शुड बी सीएसआर यूजीसी जेआरएफ एलएस क्वालिफाइड होना चाहिए, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक साइंस अप्लाइड मैथमेटिक्स अप्लाइड फिजिक्स 2019-20 के लिए और गेट के लिए भी है, ठीक है। ऑल एप्लीकेशन विल बी फर्दर स्क्रीन्ड बाय द टेकिंग इनटू अकाउंट मार्क रैंक गेट सीएसआर यूजीसी नेट वी बीटेक। तो यहाँ पे देख सकते हो फुलिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन डज नॉट गारंटेड टू कॉल द इंटरव्यू। अगर मीन्स अगर आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसके लिए भी जो है हो जाएगा। तो देखा जाता है कि सबको एवरेज किया जाएगा, उसके बाद जो है इंटरव्यू किया जाएगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा, वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। और काफ़ी अच्छा इसका जो स्टाइपेंड है पीएचडी 35,000 से लेकर 31,000 के बीच में थर्ड ईयर तक, एंड उसके 2 साल के बाद 35,000। एंड इंटरेस्ट कैंडिडेट के लिए आपको जो मैं लिंक दूंगा उस लिंक पर आप क्लिक करना, देन क्लिक जब करोगे तो यहाँ पे कई सारे प्रीव्यू हैं एंड कंप्लीट का ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपका नाम, अपने पापा का नाम, ठीक है, और कैंडिडेट रिसेंट फोटोग्राफ एक देना होगा, आप मेल फीमेल जो भी हो, ठीक है ना। उसके बाद अपना पिन देना, जहाँ पे रहते हो स्टेट देना, आप एड्रेस देना फुल एड्रेस, ठीक है, एड्रेस जहाँ भी रहते हो सिलेक्ट करना अपना एम एस सी बी टेक जिसके लिए आप कर रहे हो। तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, कौन सा ईयर में आप पास किए हो या अपेयरिंग हो, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट स्टडीज़ क्वालिफाइड किया हो, गेट सी एस एन नेट, यहाँ पे बताया गया परसेंटेल रैंक, एकेडमिक डेटा के बारे में बताया गया है कि आप एकेडमिक डेटा यहाँ पे मांगा जा रहा है तो एकेडमिक डेटा को आप अपने राइट से भरना, 10th का मांगा जा रहा है, 12th का, पॉलिटेक्निक किया है आपने, बी एस सी किया है, बी बी टेक किया है, एम एस सी किया है, तो सबका देना। और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आपको मांगा जा रहा है कि आपका 10th का जो एडमिट कार्ड है उसको दे सकते हो, या बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो। सिंगल यहाँ पे बताया जा रहा है कि एमएससी के लिए जो है एक ही मार्कशीट आपको लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट के पास है तो वो भी देना, क्योंकि आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से लिए बिलोंग करते हो तो आपको एडवांटेज मिलता है, तो उसका आपको देना होगा। एंड यहाँ पे जो है आपको डिक्लेरेशन करना होगा, यहाँ पे इसको टिक करने के बाद उसका यहाँ पर प्लेस करना होगा, ठीक है, प्लेस कहाँ से आप कर रहे हो, एंड यहाँ पर डेट देना होगा, एंड यहाँ से जो है कोड को करके प्रीव्यू करके जो है इसको आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही कुछ था, उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। किस टॉपिक वीडियो चाहिए वो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।